हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं गई सुहगली पूजा यानी कि सुहागन पूजा में। तो जहाँ मैं गई उन्होंने तैयारियाँ इस तरीके से पहले से कर रखी थी। इसमें आपको इस तरीके से गोबर का जो गौरी गणेश होता है ना, वो बनाना होता है। या आपके पास है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुलसी की मिट्टी से इस तरीके से सात औसान देवी की मूर्ति बनानी पड़ती है। अगर छुई है जिससे घर का जो दीवार है वो पुताई करते थे पहले ज़माने में, वो है तो उससे बनाते हैं। बाकी ये सारी पूजा की तैयारियाँ और श्रृंगार का जो सामान जो आपको सुहागिनों को देना है, उसे इस तरीके से पैकेट में बंद करके सात पैकेट में अलग से रख लेते हैं और एक अपने अपने लिए, मतलब आठ पैकेट में। इसके साथ यहाँ पर जो सुहागिनें आती हैं उसको इस तरीके से गोल हमें बैठाना है अपने तीनों चारों साइड में। फिर इस तरीके से पैर में हल्दी और आलता लगाया, सब सुहागिनों को बिठाया, उसके बाद फिर पूजा करना शुरू किया। सबसे पहले कलश जलाया। कलश जलाने के बाद आपको जो देवी की मूर्तियां आपने बनाई हैं उसमें आपको फूल, चंदन, कुमकुम, वो पीला चावल, वो सब कुछ चढ़ाना होता है। उसके बाद फिर जैसे गौरी गणेश आपने रखा है उसकी अच्छे से पूजा करनी होती है, सब कुछ चढ़ा के जैसे आप नॉर्मल घर में पूजा करते हैं। उसके बाद फिर आती है नारियल चढ़ाने की बारी। तो नारियल में आपको एक नारियल गौरी गणेश को चढ़ाना है, दूसरा नारियल औसान देवी को चढ़ाना है यानी कि सुहगली माता को। तो जो नारियल सुहगली माता को चढ़ाते हैं ना, वो नारियल जो लोग पूजा में बैठे रहते हैं वही लोग लास्ट में फोड़ के खाते हैं। घर की किसी लड़कियों को उस नारियल को हमें नहीं देना है, लड़कों को दे सकते हैं। उसके बाद में फिर जो श्रृंगार का सामान है उसकी पूजा करते हैं फूल चावल छिड़क के। उसके बाद फिर उसको गौरी गणेश में चढ़ाते जाते हैं एक एक बार सबको। फिर गौरी गणेश में चढ़ाने के बाद वापस से लाइक जो देवी माँ है उसमें छुआते जाते हैं, फिर उसको रखेंगे। उसके बाद जितनी सुहागिनी बैठी है ना उनका पूजा करना होता है तिलक और पीला चावल ऐसा डाल के। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की पूजा करेंगे, जो पूजा करा रहा है वो और जो बैठा है वो। फिर पूजा करने के बाद इस तरीके से जब आप सारी जितनी सुहागिनें बैठी हैं ना सबका आपको पूजा करना है। उसके बाद फिर जब ऐसा सबकी पूजा हो जाएगी लाइन से, उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, जो सुहाग का सामान आपने चढ़ाया था ना वो एक एक करके सुहागिनों के आंचल में देते जाना है। सात सुहागिन हैं तो सात श्रृंगार का सामान सबको देना है। एक जो गौरी गणपति में चढ़ाए रहते हैं वो अपने लिए रखना है। उसके बाद इस तरीके से जो श्रृंगार का सामान है उसमें चना, गुड़ और पेड़ा जो पेपर में लपेट के हमने डाला था थोड़ा सा, उसको सात चने को छील लेंगे, साबुत चने को, और छील के थोड़ा सा गुड़ अपने हाथ में रखते जाएंगे, कथा पढ़ेंगे। कथा जैसे ही समाप्त होगा तो जो चना हमने छील के रखा था ना, चना और गुड़, उसको जो देवी हैं औसान देवी या सुहगली देवी उनमें ही चढ़ा देंगे, जो छील के चना रखा था उसको। तो यहाँ पर अभी हम लोग कथा पढ़ रहे थे। इसके बाद जैसे ही कथा समाप्त हुआ उसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो चना आपने छिल के रखा था ना वो देवी में चढ़ा देना है। उसके बाद फिर टाइम आता है आरती का। जैसे कि आपने चना छिल के चढ़ा दिया भगवान में, फिर हमने तैयारी करके रखी थी आरती की। तो ये आरती का सब नहीं, इसके बाद फिर हम थोड़ा थोड़ा जो प्रसाद रखे थे ना अपने अपने गोद में आंचल में, उसमें से थोड़ा थोड़ा चना, गुड़ और पेड़ा निकाल कर खाएंगे। फिर हाथ इस तरीके से धो लेंगे, सफाई कर लेंगे हाथों की थोड़ी शुद्ध करने के लिए। फिर उसके बाद आरती करेंगे। आरती के लिए घी का दीपक जलाकर, अगरबत्ती और धूप वगैरह जलाकर अच्छे से भगवान जी की आरती कर लेंगे। जय अम्बे गौरी वाली जो आरती होती है, दुर्गा माँ की कोई भी आरती, वो आप गा सकते हैं। आरती करने के बाद फिर आपको श्रृंगार सुहाग लेना है। सुहाग लेने के लिए जो बंधन वाला आता है ना, ऑरेंज कलर वाला सिंदूर, उसको गौरी गणपति में चढ़ाएंगे सात बार। फिर उसी सिंदूर को आपको अपने आंचल से लेके सात बार अपने मांग में भरना है लाइन से, लाइक राइट हैंड की तरफ से। सभी जो सुहागिने हैं वो पारी पारी से ऐसा करेंगी, सात बार गौरी गणपति में चढ़ाएंगी और फिर उसको अपने सुहाग में लेंगी और धीरे से उठते जाएंगी। लास्ट वाला जो जब होगा तो वो प्रणाम करके उठेंगी लास्ट वाली जो सुहागिन है वो। उसके बाद फिर आपको जो भी सुहागिनों को खिलाना है वो आप उन्हें अपने श्रद्धा से उनको खिला सकती हैं। खाना आप चाहें तो खाना खिला दीजिए, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो नाश्ता करा दीजिए। सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को यह पूजा होती है। धन्यवाद।